રાખી રહ્યા છીએ, ફોકસ કરતા રહીશું. એની સાથે જ આગળ વધીએ. આપણી સાથે ખાસ રિઝલ્ટની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે HIL લિમિટેડના એમડી અને સીઈઓ તિરુપ રોય ચૌધરી જોડાઈ ચૂક્યા છે. સર, બહોત બહોત શુક્રિયા આજ જુડને કે લીએ ઓર જે ડિટેલ્સ મેં રિઝલ્ટ્સ કે ઉપર બાતચીત કરને કે લીએ. સર, સબસે પહેલે મેં યે સમજના ચાહ રહી થી યે ક્વાર્ટર કૈસા રહા આપકે લીએ ઓર કૌન સે સે ફેક્ટર્સ થે જો યહાં પે ઇમ્પેક્ટ કરતે હુએ દેખે હૈં હમ લોગોને. નમસ્કાર અદિતિ, થેન્ક યુ મુજે ઇસ ચેનલ મેં લાને કે લીએ. ये बहुत ही सफल क्वार्टर रहा है HIL की तरफ से. मैं कहूंगा हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स HIL की तरफ से रहा है. इसमें काफ़ी हद तक जो है हमारे एम्प्लॉयज का जो डेडिकेशन है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट लेग तक हमारे डीलर्स कस्टमर्स की तरफ अपना झुकाव बढ़ाए हैं और नंबर ऑफ रिटेल स्पॉट्स बढ़ाए हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहा हमारी तरफ. प्लस एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज जो हम पहली बार HIL में किए हैं, जहां हम चेन्नई सुपर किंग जैसे एक टीम के साथ IPL में जुड़े हैं, एवं उनके ड्रेस के थ्रू, उनके प्लेयर्स के थ्रू हमने काफ़ी ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज किए हैं. आई थिंक इससे एक मनोबल जो है हमारे कंपनी में एवं हमारे जो डीलर्स नेटवर्क्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उससे हमारे कंपनी ने काफी अच्छा रिजल्ट लिए हैं. बिल्कुल सर, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाह रही थी, यहाँ पे हम लोग अगर बिल्डिंग सॉल्यूशंस के एबिट की बात करने जाए तो नियरली 450% यहाँ पे इजाफा देख रहे हैं हम लोग. क्या मेजर रीजन रहा? और यहाँ पे जब पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, आप कुछ कैपेसिटी रिवैम्प करने की भी सोच रहे थे, क्या वो हो चुका है, उसी का ये इम्पैक्ट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आदिति. 23% हमारा टोटल कंपनी का ग्रोथ है इस क्वार्टर का. और जहां तक इबिट की बात आपने किया, वो पीबीटी लेवल में 40% का ग्रोथ है एवं पीएटी लेवल में 41%. बिल्डिंग सॉल्यूशंस जो हैं बहुत ही सफलता से हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं और उसको सॉल्यूशन मोड में हम ले रहे हैं. तो जो है हमारे प्रोडक्ट जैसे एसी ब्लॉक हैं, बिल्डिंग बाइंडिंग मोटर्स हैं, पुट्टी हैं, ये सब वेट वॉलिंग में आता है, एवं जो बोर्ड्स और पैनल्स हैं ये ड्राई वॉलिंग में आता है. दोनों बिजनेस ने बहुत अच्छा काम किया इस साल, और आई थिंक ये आगे चलते हुए और भी अच्छा हमें दिखेगा. कैपेसिटी एडिशन हमने बेसिकली पाइप्स एंड फिटिंग बिजनेस में किया है, जहां हमने फरीदाबाद फैक्ट्री को और बढ़ाए हैं, गोलन फैक्ट्री में एक नया कंप्लीट नया लाइन लगाए हैं, सीपीवीसी, यूपीवीसी और एसडब्ल्यूआर. एंड मुझे बहुत सफलता से ये बात करनी पड़ेगी, बहुत खुशी है बोलने में, कि हमने हमारे लोगों ने इस कंपनी इस फैक्ट्री को बनाने के साथ साथ 95% जो है लोड अप कर दिए हैं. तो वो बिजनेस भी काफ़ी आगे बढ़ने का दिख रहा है, एवं इस क्वार्टर में ही अगर आप देखें 181% બિલકુલ, એની ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. પણ અત્યારે તો જે રીતના રિઝલ્ટ આવતા અહીંયા આગળ દેખાઈ રહ્યા છે, એની ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. રિઝલ્ટ ઘણા સારા છે, અને ઇનફેક્ટ જે રીતના મેનેજમેન્ટ પણ ક્લેરિફાય કરી રહ્યું છે, બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સની અંદર એક સારો ગ્રોથ પણ દેખાયો છે, અને રિવેમ્પ જે બાકીના સેગમેન્ટમાં આવતું દેખાયું છે, એના લીધે એક પર્સ્પેક્ટિવ અહીંયા આગળ સુધરતું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. ક્વિકલી કહો તો રૂફિંગ સોલ્યુશન્સની અંદર પણ તમે એબિટ જુઓ, એ પણ લગભગ 50% વધારે વધતો દેખાયો છે, તો એની ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. રેવન્યુઝમાં પણ એક સારો વધારો છે, લગભગ 25% બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સની અંદર આવતો દેખાય છે. આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના આગળ પર્સપેક્ટિવ બનતું દેખાય છે. આપણી સાથે ખાસ ફરીથી એક વખત ધીરુભજી જોડાઈ ચુક્યા છે. સર, એક ઓર ચીજ જો મેં સમજના ચાહ રહી હતી, યહાં પે પાઇપિંગ બિઝનેસ કે લીએ, ક્યુંકિ પિછલી બાર હમ લોગો ને બાત કી તો આપ કાફી કોન્ફિડન્ટ થે યહાં પે ડબલ ડિજિટ ગ્રોથ કે લીએ, યહાં પે કૈસા સિનારિયો હૈ ઓર કિતને વક્ત મેં યે હમ લોગ ગ્રોથ દેખ પાએંગે? તો પાઇપિંગ સોલ્યુશન જો હૈ ઓલરેડી અદિતિ 181% ग्रोथ है इसमें जो लास्ट क्वार्टर के अनुसार, और इसका ग्रोथ और भी आगे बढ़ता जाएगा. ये डिवीजन में मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये मार्केट भी अच्छा कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा क्वालिटी डिलीवर कर रहा है. कस्टमर्स जिन्होंने भी खरीदे हैं, आई थिंक बहुत पॉजिटिव व्यू उनसे मिली है. हम इस पर और एडिशनल करेंगे कैपेसिटी पे, और इस बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएंगे.
अच्छा, कितना कैपेसिटी एडिशन यहाँ पे हो पाएगा अगर आप सेगमेंटली बाइफर्केट करके हमें बता पाएं? जरूर बता पाएंगे। तो फिलहाल जो है इस डिवीजन में हमारा तीमापुर और फरीदाबाद दो फैक्ट्रीज हैं जिसमें 8,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। गोलन में हम लोग सीपीबीसी, यूपीबीसी और एसडब्ल्यूआर का लाइन लगाए हैं। ये टोटल जो है 16,000 कैपेसिटी है। और इसके अलावा एक नया प्लांट हम तीमापुर में एक और लगाएंगे जो 7,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी की रहेगी। सो टोटल मिलके आज की डेट में 24,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जो कि 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी एक बार तीमापुर का नया लाइन लगे तो उसके बाद हो जाएगा। तो ये बिजनेस जो है काफी आगे बढ़ेगी। इसमें ब्रांड पुल जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, जिसके लिए हम बिरला एरकॉन ब्रांड के थ्रू इसको जो है डिलीवर कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसमें हमारा बिल्कुल फ्लॉलेस क्वालिटी है आज की डेट में। और जो मार्केट लास्ट माइल रीच कहते हैं, प्लम्बर्स के साथ इनके बढ़ाना, इसका रिश्ता बढ़ाना, प्लम्बर वर्कशॉप के थ्रू हम इसको कर रहे हैं और ये काफी पॉजिटिव दिखता है। बिल्कुल सर, ये तो हम लोग बिल्डिंग सॉल्यूशंस की भी बात कर चुके हैं। एक और चीज मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही थी, रूफिंग सॉल्यूशंस में भी अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने देखा है। अगर इन दोनों का ग्रोथ इसी पेस पे हम लोग देख रहे हैं तो FY19 के लिए मार्जिन यहाँ से बढ़ते हुए देख पाएंगे या फिर इसी लेवल पे सस्टेन होंगे? अदिति, मार्जिन्स के लिए हम लोग बहुत तरह से काम कर रहे हैं। आप अगर देखें लास्ट 7 क्वार्टर अगर देख लें तो एक तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी मेहनत दिख रही है इन वे ऑफ रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट्स आगे भी जाएगी। रूफिंग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग 14% का ग्रोथ देख रहे हैं इस क्वार्टर में। रूफिंग सेगमेंट काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है। एक बारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट लाए हैं, जीएसटी को रिड्यूस किए 28% से 18%। उससे काफी हद तक जो है कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छा हो गया प्रोडक्ट खरीदना, एवं ये बिजनेस और ग्रो होगी। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, Q1 बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहता है HIL के लिए, क्योंकि रेन्स आने से पहले ये सबसे ज्यादा इसका मार्केट पुल रहता है। रेन्स के बाद थोड़ा घट जाता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है आई एम श्योर कंपनी कोशिश करेंगी यही ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करने के लिए। अग्रीड सर। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं एक और चीज मार्केट शेयर के लिहाज से समझना चाह रही थी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने बात की स्पेसिफिकली एस्बेस्टॉस रूफिंग सेगमेंट की बात करने जाए तो यहाँ पे 20% जितना आपका मार्केट शेयर था, ये कुछ बड़ा है यहाँ पे? अदिति, हम नंबर 1 है इंडिया में विद 20-21%। इसके बीच में हमारा फ्लक्चुएट होता है। इस क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ी सी इजाफा हुई है इसमें, और ये मार्केट शेयर को अगर हम प्रोटेक्ट भी कर सके तो काफी अच्छा मायने है। हम मार्केट शेयर से ज्यादा रियलाइजेशन पे जोर ज्यादा देते हैं। तो हमारा जो है नेट NSRs जो है वो काफी इम्प्रूव हुए हैं, जिसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और आप प्रोडक्शन की तरफ से देखें तो 8% की ग्रोथ क्वांटिटी में हुई है इस बिजनेस में, एंड आई थिंक ये जो है ये काफी मजबूत पकड़ हम लोग इस मार्केट में ले चुके हैं और इसको आगे बढ़ा सकेंगे। अग्री सर। अब एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, इतने सारे चेंजेस जो आपने बताए वो क्लियरली हम लोग रिजल्ट्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे, केपेक्स में इसकी वजह से क्या कोई चेंजेस होंगे? सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ पाया अदिति। केपेक्स में कोई चेंजेस इसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कैपेसिटी एडिशन भी आप प्लान कर रहे हैं, तो तो अदिति, हमारा जो कैपिटल प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर? अदिति हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें अगर देखें, हमने एक नया प्रोडक्ट जोड़े हैं इसमें, जो कि है नॉन एस्बेस्टस सीमेंट बेस्ड कॉरोगेटेड रूफिंग शीट, जिसको हम चारमीनार फॉर्चून के नाम से लाए हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री मैं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट शायद ग्लोबली भी किसी के पास ना हो। ये प्रोडक्ट का हम लोग IP ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ये टोटली हमारे R&D ने बनाए हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जो एस्बेस्टस जैसे स्ट्रेंथ नॉन एस्बेस्टस मटेरियल में हमें दे रहे हैं। और ये प्रोडक्ट के लिए जितना भी कैपेक्स हमें लगेगा इन फ्यूचर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो है हम एक हमारा प्लांट जो है साउथ में कोंडापली में, उसमें ये प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। ऑगमेंट कोंडापली
कोई भी एग्जिस्टिंग एस्बेस्टस लाइन को थोड़ा सा कैपेक्स के थ्रू ऑगमेंट करके हम ये प्रोडक्ट अभी बना पाएंगे, और इसलिए जो है कैपेक्स इनफ्लक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, ग्रोथ ऑन रेवेन्यू जो है हम विटनेस कर पाएंगे, और इस प्रोडक्ट को हम इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव से डाल रहे हैं जहाँ पर कि एस्बेस्टस की खरीदारी कम होती है, और हमारा उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो हमसे दूर चले गए थे लास्ट 12-15 साल से, अब उस सेगमेंट को हम टैप कर पाएंगे इस प्रोडक्ट के थ्रू। जहाँ तक पाइप्स एंड फिटिंग का सवाल है, वहाँ मैंने बताया ही आपको कि गोलन प्लांट में हम लोग कमिट किए हैं और उसको हम लाइव कर दिए हैं। तीमापुर में नेक्स्ट एक्सपेंशन हमारी होगी, और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली हम कैपेक्स डालेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा जो है फुल फोकस है प्रॉफिटेबल ग्रोथ, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको हम डिलीवर करेंगे। हम इंटरनली भी काफ़ी कंपनी में कैश अक्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल को एक्सट्रीम सेंसिटिव वे में हम ड्राइव कर रहे हैं, जो कि किसी दौरान 17% ऑफ द रेवेन्यू हुआ करता था 2016 में, वो अब जो है ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया है। तो एक तरह से इस क्वार्टर का रिजल्ट आप देखें, वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव, वी हैव कम टू ऑलमोस्ट 14% वर्किंग कैपिटल बाय मार्च ऑफ लास्ट दिस ईयर, दैट इज फॉर द ईयर 18 मार्च तक हमारा वर्किंग कैपिटल 4% थी, उससे भी काफ़ी कैश एक्रू हो रही है कंपनी में, जो कि हम प्रोग्रेसिवली इस कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए और कंप्लीट डिटेल्स भी शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स मेरी टीम की तरफ से भी, आने वाला क्वार्टर जो हो और भी बेहतरीन हो और उसके ऊपर हम लोग और भी डिटेल में बातचीत कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एनी साथ जे रीतना स्टॉक ने ऊपर अपन एक रिएक्शन पर आप तो देख रहे हो, એની ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના ઇમ્પેક્ટ કરતું દેખાય છે। અત્યારે તો સ્ટોકની અંદર નોમિનલ રિએક્શન છે, લગભગ 1.5% આસપાસ પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં ટ્રેડ કરતો અકાઉન્ટ દેખાઈ રહ્યો છે। એક વિરામ લઈને વિરામ બાદ બોમ્બે ડાઇંગના ગ્રુપ CFO વિષ્ણુ પેરુવેમ્બા જોડાશે આગળ રિઝલ્ટ ઉપર ચર્ચા કરવા।